हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट करी मॉर्निंग से अभी मैं जा रही हूँ मार्केट मार्केट में जा रही हूँ अपनी मम्मा के साथ और मैं वो करनी है शॉपिंग क्योंकि डे बहुत नज़दीक आ गया है ससुराल रिटर्न जाने का ससुराल जाना है इसलिए मुझे बहुत सारी शॉपिंग करना है एक्चुअली मेरे ससुराल थोड़ा विलेज साइड पड़ता विलेज में है इसलिए वहाँ शॉपिंग एरिया उतना अच्छा नहीं है मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है उस काफ़ी डिस्टेंस है वहाँ से मार्केट एरिया जाने के लिए इसलिए मैं निकल चुकी हूँ मामा के साथ शॉपिंग पे अपने और यहाँ मैं जा रही हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप जहाँ मेरे को रेफ्रिजरेटर कुछ बात करना था और मैं अभी ओवर वॉइस ओवर कर वॉइस ओवर सॉरी वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये मेरी डॉटर हुरान मेरी प्रिंसेस यानी कि आवाज़ दे रही बेटा आपको कुछ बोलना है नहीं।, नहीं बोल दो ना अभी थोड़ा सा। और मैं आ गई हूँ यहाँ कुछ बेडशीट्स देखने क्योंकि मेरे को बेडशीट्स लेना था या, मतलब ससुराल मतलब मेरे रूम के लिए वहाँ पे रूम में मेरे रूम के लिए मेरे को बेड शीट्स लेना बेड शीट्स मेरे पास काफ़ी हैं बट वो मेरे को उतना पसंद नहीं आता एक्चुअली कुछ वो बोलते थ्रेड वर्क वाला नहीं होता वो ज़्यादा मेरे पास है मेरी शादी में वो बहुत ज़्यादा मिल गया था वो बेड शीट तो वो ऐसे ही रखा हुआ मुझे नहीं मतलब कम्फर्टेबल फ़ील नहीं होता उस पर सोने के लिए तो मैं बोली कि रेडीमेड ग्लेस कॉटन या प्योर कॉटन टाइप का बेडशीट भैया दिखाओ तो वही भैया दिखा रहे थे मेरे को बहुत सारी यह बेडशीट्स और मेरे को लेना था कर्टन अपने घर के लिए मतलब यानी कि मेरे रूम के लिए ऑलरेडी ममा एक मेरी शादी में दी थी और एक मेरी सास बना के रखी है बट मेरे को अब थोड़ा सा ईद भी आ रहा है तो मैं सोची पहले से रेडी करवा लूँ मैं तो ली हूँ उसको ईद पर्पज़ के लिए लेकिन मैं बोली पहले स्टिच करा लो फिर स्टिच स्टिच हो नहीं पाता है फिर मैं चली जाऊँगी फिर किसके थ्रू आएगा मेरा मतलब सारा सामान वामान इसलिए मैं बोली अभी मैं लेके जाऊँगी मैं आ, ये नो कटन ली हूँ और मेरी मम्मा ने मेरे को एक कालीन दिलाया है वो कालीन बहुत प्यारा है माशा से बहुत प्यारा है लेकिन मैं अपने ससुराल पहुँच के उसको मैं फोटो आप वीडियो शेयर करूँगी कि मेरी मम्मा ने मुझे कैसा कालीन दिलाया है और मैंने कैसा कर्टेन मैंने कैसा बाई किया है तो यहाँ पे बेडशीट दिखाते रहे भैया इतना चार्ट रहे थे इतना चार्ट रहे थे मत पूछो इनकी कहना बस ये था कि इनकी दुकान से अच्छा कोई कहीं मिल ही नहीं रहा है और वहाँ वाहियात दिखा रहे थे प्राइज एज अकॉर्डिंग टू द प्राइस price, बहुत ज़्यादा वाहियात बता रहे थे बेडशीट थी वो ग्रेस कॉटन की वो प्राइस बता रहे थे प्योर कॉटन की तो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी इनके पास से तो मैं मम्मी बोली चलो मम्मी टाइम वेस्ट हो रहा है चलो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं दूसरे शॉप में जाके देखते हैं ये भैया का कहना था कि वो सारा मतलब बेडशीट कम दिखा रहे थे वो मोदी और महंगाई और जीएसटी चार्जेस ज़्यादा हम लोग बता रहे थे तो ये सब चीज़ में मेरा काफी टाइम वेस्ट हुआ मैं बोली भैया वो दिखाओ ये दिखाओ तो उनसे वो नहीं दिखाया जा रहा था नहीं नहीं यही देखिए ये, ये करिए वो करिए ब्लाबलाइन दौर ब्ला, और, और इनके पास बहुत तो... पुरानी डिज़ाइन की बेडशीट्स थी ये बेडशीट्स आप देखने की कितनी वाहियात लगी मेरे को तो बहुत ज़्यादा वाहियात लग रहा था ये क्या लीव्स वाला पैटर्न का और बहुत पुरानी डिज़ाइन थी कुछ नया कुछ यूनिक कुछ मतलब लुक वाइज अच्छा लगे तो वैसा कुछ भी नहीं सब पुरानी डिज़ाइन दिखाए थे और बस इनकी वही मैं बता ही चुकी पहले भी ना उनकी वही टॉपिक थी वो महंगाई के बारे में ज़्यादा और मोदी जी के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे थे तो मैं बोली कि मम्मी यहाँ से निकलो नहीं तो बैठे बैठे है ना मोदी और इनको अगर लेक्चर या पॉलिटिक्स लाइन में खड़ा किया तो ज़्यादा बोल देंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा तो मैं बोली चलो मम्मा यहाँ से चलो निकलो हम निकलते हैं फिर हम लोगों ने वहाँ से निकल के फिर जैसे मैंने बताया मुझे मैं कर्टन लेना था मैं उसके आ, उसके बाद दिखाती हूँ मैं, मैंने कौन सा कर्टन लिया है कर्टन तो बहुत अच्छा अच्छा है भैया के पास था लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा च, चेंज करवाया है ये जो आप नेट देख रहे हैं क्रीम कलर का वैसा मैंने लिया है वैसे तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी इसकी वीडियो की मैंने कौन सा कर्टन कैसा सेटिंग किया है कैसा कलर का है और कैसा है डिज़ाइन पैटर्न मैं नेक्स्ट वीडियोस में you <clears throat> शेयर कर दूँगी उसके बाद मैं चलेंगे जिससे शूज़ वाले शॉप से वहाँ से मेरे को लेना था शूज़ क्योंकि मेरे पास विंटर आ रहा है शूज़ तो मेरे पास था बट मैंने सोचा कुछ लुक वाइज अच्छा सा तो यहाँ पर भी शूज़ भैया जो दिखाए मतलब ठीक ठाक नॉर्मल लेकिन मुझे मतलब जैसे पैर में एक बहुत है दिखने वाई तो बहुत अच्छा दिख रहा था लेकिन पैर में जो खिलना चाहिए तो वो खिल भी नहीं रहा था तो बहुत अजीब सा गंदा सा मेरे पैर में दिख रहा था तो मैं बोली मम्मी नहीं मेरे को ये नहीं लेना है लेकिन फिर मैं लास्ट में मम्मी बहुत जिद की कि ब्लैक वाला अच्छा लग रहा तुम्हारे पैर में ब्लैक वाला ले लो तो मैं बोली ठीक है चलो ब्लैक वाला ले रही हूँ ये सब भी अच्छे दिख रहे थोड़ा में, पैर में कोई अच्छा नहीं लग रहा बहुत कुछ होता है दिखने में कुछ और पहनने में कुछ वही वाली मेरे साथ हो रही थी जो मैं वेयर कर रही थी ना तो उतनी खास नहीं लग रही थी मतलब जैसे लुक देना चाहिए ना कि हाँ पैर में अच्छा लगे मेरे हिसाब से लो वही जो अच्छा लगे खुद के बॉडी पे या खुद के पैर वर पे। तो मतलब मैंने जब ये वेयर किया तो मामा बोली कि ये ठीक लग रहा है ये ले लो क्योंकि तुम नकाब वेयर करती हो इससे क्या है ब्लैक अच्छा लगता है लुक भी अच्छा देता है ये ये ले लो इसका ना पैटर्न थोड़ा वेलवेट टाइप का ऊपर से इसकी बॉडी है मेरे को अच्छी लगी तो मैं बोली ठीक है मैं ये ले लेती हूँ और मेरे को ना हील्स वाली शूज़ पसंद नहीं है मेरे को एकदम तो फ्लैट फ्लैट रहे वो अच्छी लगती है क्योंकि मेरे साथ बेबी है उसको कैरी करना और कहीं भी मतलब मेरे फादर भी जो थे ना वो मेरे को सजेस्ट करते थे कि हम लोग को दोनों सिस्टर को हम लोगों ने कभी नहीं ये पहनना हील्स वाले सैंडल ना पहना करो क्योंकि आँख की रोशनी थोड़ी कम होती है और आ, बोलते हैं कि बहुत बैक वैक का भी इशू आता है बैक में पेन उनका इशू आता है तो इसलिए मैंने कभी वेयर नहीं किया और ये मेरी सिस्टर ने बना के रखा था खीर खीर बोलो या फिर नहीं बोलो बट हम लोग खीर बोलते हैं इसको ये बहुत टेस्टी था मैंने बहुत इंजॉय किया अगर मैं वीडियो अच्छा